जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो A127 का प्रिंट आउट लेंगे, A127। थर्मल कंडक्टिविटी से स्टार्ट किया था मैंने, बट जब मैं शुरू की मैंने शीट बनानी, तो मैंने देखा कि मिक्स्ड क्वेश्चन थे किसी भी बुक में, किस किस के मिक्स क्वेश्चन है। थर्मोडायनेमिक्स देखो, ये पूरा पोर्शन तीन या चार हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा आता है थर्मल प्रॉपर्टीज के ऊपर, एल्फा बीटा गामा, यंग्स मॉडुलस एंड थर्मल कंडक्टिविटी, क्योंकि सारे के सारे किस पे डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो हम मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे, मिक्स्ड क्वेश्चन देखेंगे रादर, जिसमें एल्फा बीटा गामा यंग्स मॉडुलस थर्मल कंडक्टिविटी ये सारा कुछ इन्वॉल्व होगा। ये पहले टाइप का क्वेश्चन है। इसकी बाइफर्केशन करेंगे तो मैंने ये देखा कि थर्मल कंडक्टिविटी की प्रॉब्लम बिल्कुल डिफरेंट है और एल्फा बीटा गामा की प्रॉब्लम बिल्कुल डिफरेंट है। एडवांस के अंदर एल्फा बीटा गामा में लिक्विड के एक्सपेंशन पे टॉपिक आता है, जो मैं नेक्स्ट से नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लिक्विड के एक्सपेंशन पे हमने एक दो न्यूमेरिकल हमने किए थे क्लास में, हमने पूरे नहीं किए थे। ट्रिकी हैं, बड़े हैं, लेकिन आते हैं, एडवांस में उस टाइप का प्रॉब्लम आएगा, तो एक तो वो करना है। ठीक, अल्फा बीटा गामा की प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम जो एडवांस में देखी गई है वो थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर तो बहुत दिखेगी। आप वैसे ही पेपर खोल लोगे ना तो K1 K2 आपको दूर से चमकेगा, K1 K2 के ऊपर दिखेगा आपको। फिर तीसरी प्रॉब्लम जो है इसके अंदर जो मैंने देखा वो है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, वो ट्रांसफर ऑफ हीट की अलग सी जो तीन चार लॉज हैं उसके ऊपर तो क्वेश्चन आना ही आना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने देखा वो प्योर कोर थर्मोडाइनमिक्स पे, एडियाबेटिक और आइसोथर्मल, वो तो पक्का ही आना है। और लास्ट KTG के ऊपर एक क्वेश्चन है, मैं कह नहीं सकता, मेंस में तो आ सकता है, एडवांस में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेन जो मैंने ऑब्जर्व किया कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस लोग फिर भी केमिस्ट्री की नॉलेज से कर लेते हैं, जल्दी समझ में आता है। थर्मोडायनेमिक्स भी जल्दी समझ में आता है, एडियाबेटिक आइसोथर्मल में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो थर्मल कंडक्टिविटीज की बहुत रेंज है, एल्फा बीटा गामा तो बहुत ही लोगों को मतलब आप देखेंगे उसमें थोड़ा एफर्ट लगता है उसमें करने में। और लास्ट जो टॉपिक है वो आज लॉज करेंगे वो इजी है, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं थर्मल कंडक्टिविटी लिख रहा था पर बीच में मिसलेनियस क्वेश्चन आए तो फिर मैंने लिखना बंद कर दिया थर्मल कंडक्टिविटी। मैंने पहले लॉज सारे इकट्ठे कर लिए और मैंने सारे क्वेश्चन सिर्फ लॉज के ऊपर ही बना दिए, बस ये शीट आगे बस इसके बाद लॉज के ऊपर चलेगी। फिर अगली शीट में मैंने थर्मल कंडक्टिविटी के पूरे टाइप्स लिखने स्टार्ट कर दिए, तो उसमें सिर्फ आपको थर्मल कंडक्टिविटी ही दिखेगी। उसकी अगली शीट मैंने बनाई है वो अल्फा बीटा गामा पे सेग्रीगेट कर दिया, जो कि आपकी बुक्स में मिसलेनियस है, मेरी शीट्स में आपको अलग अलग दिखेगा। ठीक, सो थर्मल कंडक्टिविटी के अंदर कंपोजिट स्लैब है। थर्मल कंडक्टिविटी याद होगा आपको, गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर और क्यू, एक फॉर्मूला हम यूज़ करते थे उसमें, क्यू हीट का फॉर्मूला था, के ए टेम्परेचर का डिफरेंस, और ये टाइम डिवाइडेड बाई लेंथ एल कुछ ऐसे, और ये सॉलिड्स के अंदर यूज होती है। तो इसके अंदर लेंथ L1 L2 है, एक स्लैब है स्लैब 1 स्लैब 2, और यहाँ का टेम्परेचर T1 है, यहाँ का T3 है, यहाँ का T2 है। तो आपको ये बताना है कि इसकी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी। ये क्लास में हमने किया हुआ है वैसे इस टाइप का क्वेश्चन, सीरीज पैरेलल बताया था मैंने, पर मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर रिवाइज किया जाए तो हीट मान लो T1 से T2 पे जा रही है, तो T1 का टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन T3, T3 का टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन T2, तभी तो हीट मूव करेगी फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है, और स्टेडी स्टेट में हीट का हीट फ्लोइंग पर सेकेंड क्या रहेगा, सेम। ऐसे क्वेश्चन में एच का मतलब क्या होता था, हीट नहीं होती थी, हीट फ्लोइंग पर सेकेंड होता था, जो कि सेम है। तो इस पोर्शन में हीट फ्लोइंग पर सेकेंड क्या होगा, K1 एरिया क्रॉस सेक्शन A, टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T3 डिवाइडेड बाई लेंथ इज L1। हीट फ्लोइंग पर सेकेंड का फॉर्मूला लगा लिया, और ऐसी यहां पर भी H की वैल्यू सेम ही रहेगी बिकॉज सीरीज में कनेक्टेड है और सीधी हीट जा रही है। यहां पर हीट फ्लोइंग पर सेकेंड क्या होगा, K2 इंटू एरिया A है, टेम्परेचर डिफरेंस T3 माइनस T2, और लेंथ कितनी है इसमें, L2 है। ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। तो मैंने हीट का फॉर्मूला यहां निकाल लिया, यहां निकाल लिया, फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके T1 माइनस T3 एक तरफ, T3 माइनस T2 एक तरफ, ये वैल्यूज निकाल ली। फिर मैंने ये कहा कि अगर ये स्लैब्स L1 L2 की बजाय L1 प्लस L2 लेंथ की बनी हुई है, L1 प्लस L2 की बनी हुई है, और मटेरियल की दो थर्मल कंडक्टिविटीज नहीं है, एक ही है, तो उस केस में हीट फ्लोइंग पर सेकेंड क्या होगा, K A, K का मतलब नई थर्मल कंडक्टिविटी,
और टोटल टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब एक ही मटेरियल लगा होगा मान लो 1 मिनट के लिए, जिसका एंड का टेम्परेचर T1 T2 ही रहेगा। अब T3 लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज एक ही मटेरियल है। तो टेम्परेचर डिफरेंस शुरू और एंड का फिर से क्या लेंगे, T1 माइनस T2, और लेंथ इसमें क्या लेंगे, L1 प्लस L2। तो यहाँ से सॉल्व करके T1 माइनस T2 आ गया। मुझे इन टेम्परेचर में रिलेशन दिखाई दे रहा है कि T1 माइनस T2 इज T1 माइनस T3 प्लस T3 माइनस T2, क्योंकि T3 T3 कैंसिल होकर T1 माइनस T2 ही देगा। इसकी वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू मैंने ऊपर से निकाल ली, मैंने नीचे पुट किया, मेरे पास K1 और K2 का रिलेशन आ गया, डन। ये पहला मेथड है, मुझे ऐसा लगता है कि एक लंबा मेथड है। ठीक, मेथड ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि हमें ये फॉर्मूला लगाना चाहिए स्लैब, क्योंकि हीट फ्लोइंग पर सेकेंड सेम है तो स्लैब सीरीज में कनेक्टेड है, क्योंकि पैरेलल में जो कनेक्शन होता है तो टेम्परेचर डिफरेंस डिफरेंट होता है और हीट फ्लोइंग पर सेकेंड डिवाइड होती है, सीरीज के अंदर हीट फ्लोइंग पर सेकेंड सेम है, राइट। तो सीरीज में कनेक्टेड है तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होती है, R1 प्लस R2, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला थर्मल कंडक्टिविटी की फॉर्म में हमने निकाला था, L/KA आपके बुकलेट में लिखा हुआ है। तो पहली स्लैब में L1 है, K1 है, A है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा, दूसरी में L2 है, K2 है, A है, और टोटल अगर दो स्लैब की जगह एक स्लैब होगी तो लेंथ तो L1 प्लस L2 हो जाएगी और थर्मल कंडक्टिविटी K हो जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल रिमेन सेम। आंसर पॉइंट, मुझे लगता है सेकंड मेथड ज्यादा बेटर है, बस ये आइडेंटिफाई करना है कि सीरीज है या पैरेलल है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम मैं नेक्स्ट शीट में लिख के लाऊंगा जिसमें सीरीज पैरेलल आइडेंटिफिकेशन चलेगी। तो फटाफट हम 8-10 क्वेश्चन इकट्ठे देखेंगे ना, तो एकदम कॉन्सेप्ट जल्दी बैठेगा, एक में नहीं बैठता ना, 5-7 इकट्ठे देख के जल्दी बैठता है। तो इसलिए शीट एक तरीके की तैयारी करने शुरू की, तो मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, आप देख सकते हो मेरा टॉपिक चेंज हो गया। तो मेरा टॉपिक अब क्या स्टार्ट हो गया, जो हमने कवर किया था, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ हीट थोड़ा सा इरिटेट करता है और भूल जाते हैं लोग, तो रिवीजन भी बनती है थोड़ी सी। तो 2 मिनट फॉर्मूलाज देख लेते हैं, उसके बाद फिर ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, ए फॉर स्मॉल ए सिंबल क्या था, एब्जॉर्प्टिव पावर था। एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है, ए फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अपॉन फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इंसिडेंट, मतलब ये रेशियो होती है। फिर ई किया था छोटा ई, एमिसिव पावर। एमिसिव पावर किसी भी बॉडी के लिए एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। इमिसिव पावर का सिंबल चेंज हो जाता है अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो। फिर हमने किरचॉफ लॉ किया था कि इमिसिव और एब्जॉर्प्टिव पावर की रेशियो किसी भी बॉडी के लिए और परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए सेम होती है, और परफेक्टली ब्लैक बॉडी का ई क्या होता है, 1 होता है। फिर हमने स्टीफन लॉ किया, स्टीफन लॉ परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए लगता था, जो ये कहता था कि इसकी इमिसिव पावर यानी कि एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया किसी भी बॉडी का जिसका टेम्परेचर कितना है टी, इज गिवन बाय सिग्मा इंटू टी की पावर 4। ये फॉर्मूला किसके लिए बनाया था स्टीफन ने, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। लेकिन अगर कोई और बॉडी हो तो इसके लिए एक और नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई थी, एप्सिलॉन, जिसको क्या बोलते थे, इमिसिविटी। इमिसिविटी की रेशियो क्या होती थी, इमिसिविटी का मतलब इमिसिव पावर फॉर एनी बॉडी डिवाइडेड बाय इमिसिव पावर फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो यहाँ से हम अगर किसी भी बॉडी के लिए काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इमिसिविटी फॉर एनी बॉडी, इमिसिव पावर कैन बी कैलकुलेटेड। तो स्टीफन बोल्ट्समैन लॉ क्या कहता है, स्टीफन बोल्ट्समैन लॉ किया था कि पावर एमिटेड बाय एनी बॉडी इज सिग्मा इनटू टी की पावर 4। क्या होता है सिग्मा इनटू टी की पावर 4, इज एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया को किससे मल्टीप्लाई किया, एरिया। तो ये क्या आ गया मेरे पास, अब यूनिट किस में कन्वर्ट हो गए, एनर्जी पर सेकेंड में, क्योंकि पर एरिया से मल्टीप्लाई किया, एरिया निकाल दिया ना, तो एनर्जी पर सेकेंड का मतलब पावर। और इसको क्योंकि ये फॉर एनी बॉडी है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एमिसिविटी से, अगर ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो तो एमिसिविटी क्या हो जाती थी, 1। तो पावर का फॉर्मूला बन जाता है इसमें फॉर एनी बॉडी। तो स्टीफन बोल्ट्समैन लॉ के अंदर ये बताया गया है, प्रीवोस्ट लॉ ऑफ एक्सचेंज ये बताता है, ये किया था डिस्कस हमने उस टाइम, ओके नहीं किया था शायद, ये छोड़ा था। प्रीवोस्ट लॉ ऑफ एक्सचेंज ये बताता है, एवरी बॉडी रेडिएट्स एंड एब्जॉर्ब हीट साइमल्टेनियसली। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, हाँ मैंने ये एग्जाम्पल दिया था, मुझे ठंड लग रही है, इसका मतलब मेरी बॉडी हीट एमिट कर रही है लेकिन ज़्यादा नहीं कर पा रही, और इस वजह से, या उल्टा ज़्यादा कर पा रही है जिस वजह से मेरा टेम्परेचर डाउन हो रहा है। देखो मेरे को कोई बॉडी ठंडी कैसे हो सकती है, बाहर एनवायरनमेंट ठंड है, बॉडी आपने गर्म कर दी,
तो गर्म बॉडी अपने अंदर से हीट एमिट करती रहती है करती रहती है करती रहती है, और स्कोप है ठंडा होने का, क्योंकि हीट मूव फ्रॉम अ हायर बॉडी टू लोअर बॉडी, सराउंडिंग ठंडी है, चाय का कप गर्म है, उसने ठंडा होना ही होना है। अब कोई भी बॉडी कॉन्टिन्यूसली हीट लेती भी रहती है सराउंडिंग से और देती भी रहती है, अगर वो बॉडी गर्म है तो देने का रेट उसका ज़्यादा, लेगी क्या बाहर तो पहली ठंड पड़ रही है तो लेगी तो बहुत ही कम, देगी ज़्यादा, और देती रहेगी खुद खाली हो जाएगी हीट से, तो क्या हो जाएगी ठंडी हो जाएगी। गर्मियों में चाय का कप ठंडा क्यों नहीं हो रहा, गर्मियों में हमारी बॉडी ठंडी क्यों नहीं हो रही, हमें ठंड क्यों नहीं लग रही, बाहर तो पहले ही गर्म है, हम क्या देंगे बाहर गर्मी में, गर्मी में और गर्मी तो जा नहीं सकती, तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा गर्मी हमारी बॉडी में एंटर करती रहती है और हमारी बॉडी भी क्या हो जाती है गर्म हो जाती है, हमें गर्मी लगनी स्टार्ट हो जाती है। यही तो है प्रीवॉस थ्योरी ऑफ एक्सचेंज, हर वक्त बॉडी जितनी भी बॉडीज हैं दुनिया में वो हीट को एक्सचेंज करती रहती हैं, लेती भी रहती हैं और देती भी रहती हैं, और अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो उसका लेने का रेट और देने का रेट एग्जैक्टली सेम है। तो ये कहता है कि मान लो T इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड T नॉट इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से मान लो ज्यादा है तो बॉडी इज लूजिंग एनर्जी एट अ रेट ऑफ पावर, पावर का मतलब एनर्जी बाय टाइम, तो पावर अभी हमने क्या किया था सिग्मा इंटू टी की पावर 4 इंटू एरिया इंटू एमिसिविटी, तो कोई बॉडी का टेम्परेचर अगर टी है तो अपने अंदर से कितनी एनर्जी निकाल रही है, इतनी एनर्जी निकाल रही है एक सेकेंड में, फिर ले भी तो रही है, ले कितनी रही है सराउंडिंग से, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है टी नॉट, तो सराउंडिंग कितनी हीट दे रहा है, इतनी हीट दे रहा है, तो जो नेट लॉस ऑफ हीट कितनी है, क्योंकि आपका टेम्परेचर टी टी नॉट से बड़ा है आप ज़्यादा दे रहे हो और सराउंडिंग से ले कम रहे हो, ये हीट लेना है और ये हीट देना है, तो कितनी हीट लूज हो रही है आपकी नेट, दोनों को क्या करना पड़ेगा माइनस, तो इतनी नेट हीट आप सराउंडिंग में क्या करते जा रहे हो देते जा रहे हो, कोई डाउट इसमें। ये है प्रीवॉस थ्योरी ऑफ एक्सचेंज, और अगर दोनों का टेम्परेचर सराउंडिंग और बॉडी का सेम है T इज इक्वल टू T नॉट, तो कोई ना हीट लेगा ना देगा, डन। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग अगर आपको याद हो तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंगली dT by dT इज इक्वल टू माइनस के T माइनस T नॉट का फॉर्मूला हमने किया था, डेफिनेशन थी न्यूटन के लॉ की, और इसको हम क्या बोलते थे, दिस इज चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट टाइम, T टेम्परेचर ऑफ बॉडी, T नॉट टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, डन। यहाँ तक क्लियर है, तो इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी, ये रेट ऑफ कूलिंग ऑफ द बॉडी है, इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेस टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब एक्सेस टेम्परेचर, बॉडी और सराउंडिंग का टेम्परेचर के डिफरेंस को एक्सेस टेम्परेचर बोलते हैं, प्रोवाइडेड दैट दिस टेम्परेचर इज स्मॉल, मतलब ये टेम्परेचर बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, ये नहीं है कि एक 10,000 केल्विन है और एक 1 केल्विन है, बहुत कम डिफरेंस होना चाहिए, ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है, एंड दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ स्टीफन्स बोल्ट्समैन लॉ, तो अभी वो किया था ना कि हीट देती रहती है कोई बॉडी अपने अंदर से, तो ये सेम ही रूल अप्लाई करेगा, देखते हैं कैसे, मैं बताऊंगा कैसे। फिर हमने क्लास में ये किया था कि इस रिलेशन को यहाँ रखा था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कहने का मतलब टेम्परेचर वाली एक तरफ टाइम वाली एक तरफ, इसे इंटीग्रेट किया था, मान लो बॉडी का टेम्परेचर इनिशियली कितना है टी वन है और बाद में कितना हो गया टी हो गया, और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है टी नॉट है, ठीक, तो इनिशियली बॉडी का टेम्परेचर T1 से T हो गया किसी भी इंस्टेंट पे 0 से T, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो log ऑफ T माइनस T नॉट आएगा, यहाँ अगर लिमिट पुट करेंगे तो एक बार T की जगह T, एक बार T की जगह T1, log A माइनस log B log ऑफ A बाई B, log राइट साइड पे जाएगा, तो याद है एक्सपोनेंशियल e रेज टू पावर माइनस KT बुकलेट में किया हुआ है, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा, तो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर एट एनी इंस्टेंट उसका सराउंडिंग का टेम्परेचर प्लस ये रिलेशन, ठीक, तो मैंने क्लास में करके भी दिखाया था, वो चाय का कप वाला मेरे बुकलेट में लिखा हुआ एग्जांपल इसी के ऊपर बेस्ड है, बस फर्क ये है कि मैंने उसमें थीटा लिया था, इसमें मैंने टी ले लिया, मैंने जान के टी लिया, इस बार आज करते हुए मैं क्लास में जो पढ़ा रहा था मैंने खुद, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं डी क्यू में और डी थीटा में, वो सिंबल का थोड़ा सा फर्क होता है, तो मैंने डी टी लिखा जान के, इससे कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है ना। यहाँ तक फिर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि प्लॉट करो टेम्परेचर का और टाइम का रिलेशन, टेम्परेचर का और टाइम का रिलेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो अगर हम करते हैं यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा इसमें, एटलीस्ट मिनिमम टेम्परेचर सराउंडिंग का तो होगा होगा, तो एटलीस्ट टेम्परेचर यहाँ पर क्या होगा टी नॉट होगा, टी नॉट से तो ऑब्वियसली बड़ा ही टेम्परेचर है इसका, और बॉडी ठंडी हो रही है तो टेम्परेचर बॉडी का डाउन जा रहा है, मैथ्स में एक्सपोनेंशियल ग्राफ किया है कि फंक्शन कैसे बनता है उसका ग्राफ कैसे होता है, नहीं किया अभी, कैलकुलस में आएगा वो भी नेक्स्ट ईयर, तो आपको ना ग्राफ सिखाएंगे
एक्सपोनेंशियल कैसे बनता है, लॉग के कैसे बनते हैं, तो उसमें सिखाया जाएगा कि इसका ग्राफ एक्सपोनेंशियल ऐसे तैयार होता है। और लास्ट वैल्यू बहुत देर के बाद बॉडी क्या एक्वायर कर लेगी, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। चाय का कप है 45 डिग्री सेल्सियस पे है, रूम का टेम्परेचर 10 है, तो कभी ना कभी तो 10 कर लेगी, करेगी बहुत देर के बाद, वो अलग बात है। शुरू में जल्द, एक्सपोनेंशियल ग्राफ क्या होता है, शुरू में जल्दी चलता है और बाद में स्लो जाता है ऐसे, ठीक है यहाँ तक। तो इस तरीके से ये वेरिएशन मार्क करने को आएगी सीधा, तो ये मैथमेटिकल लिखने को तो ग्राफ भी लिख सकता था, बट ये मैथमेटिकल साथ चलेगा तो थोड़ा याद रखना आसान रहेगा। ठीक, नेक्स्ट है, अगर आप इसी में ग्राफ प्लॉट करने को आए, लॉग ऑफ टी माइनस टी नॉट का टाइम के साथ, लॉग ऑफ ये रहा इसका ग्राफ, तो इक्वेशन नंबर वन ऊपर देखना जरा कहाँ पर चल रही है, ये इक्वेशन नंबर वन देख रहे हो सबसे ऊपर वाली, इस इक्वेशन को मैंने यहाँ लिख लिया, फिर से एक बार चेक करो, ये लिख लिया, इसके इंटीग्रेट किया बिना लिमिट के, तो मेरे पास ये आया बिना लिमिट के, क्योंकि उसने जस्ट वेरिएबल्स के साथ काम करने को कहा, वैल्यू पुट करने को नहीं कहा। तो आप मैथ्स वाले लोग देख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, कॉन्स्टेंट को इंटरसेप्ट भी कटेगा पॉजिटिव, और स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो ये ग्राफ प्लॉट करके आना है आपको, बहुत बार आता है ये ग्राफ, राइट, क्या पॉइंट क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन आएगा कि रेट ऑफ कूलिंग का, रेट ऑफ कूलिंग आर लिखा होगा क्वेश्चन, बहुत लिखा होता है, रेट ऑफ कूलिंग आर का ग्राफ प्लॉट करो टी माइनस टी नॉट के साथ। तो ये लॉ न्यूटन का जो कूलिंग का लॉ है वो यही था, ये लिखो, रेट ऑफ कूलिंग का मतलब होता है कितना टेम्परेचर डाउन हो रहा है पर यूनिट टाइम, इसे रेट ऑफ कूलिंग बोलते हैं, आर, आर का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कूलिंग का मतलब ठंडा होना, तो ऑटोमेटिकली माइनस नहीं भी लगाओगे, कई बुक्स नहीं लगाती, चलता है, क्योंकि वो ये मानती है कि मैंने कूलिंग बोल तो दिया, टेम्परेचर डाउन बोल रहा हूँ मैं, अदरवाइज मैथमेटिकली करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। तो इसका ग्राफ अगर टेम्परेचर डिफरेंस से निकालना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई, आप चेक कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। पॉइंट समझ में आ रहा है? कुछ भी, जितने ग्राफ बन सकते थे ना, मतलब मैंने इसमें बना दिए, इससे ऊपर तो आपको ऑब्जेक्टिव मिलने भी नहीं वाला, ऑब्जेक्टिव बुक से मतलब ये क्वेश्चन हैं बेसिकली आपके, पर मैंने वो थ्योरी की फॉर्म में इसमें डिस्कस किए। ठीक, प्रूफ ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग हमने नहीं किया, उस टाइम नहीं किया था, जरूरत नहीं समझी थी, जरूरत आज भी नहीं है, बट एडवांस के अंदर कभी कभी कुछ ना कुछ पकड़ सकता है वो, तो फिर एक बार देख लेते हैं न्यूटन ऑफ कूलिंग का जो प्रूफ है वो कैसे चलेगा। इसके अंदर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग याद नहीं करना, कुछ कुछ चीज़ें समझ नहीं है बस, सफिशियंट है, कोई याद नहीं करने की जरूरत इसे। मान लो एक बॉडी है जिसका एरिया ए है, उस बॉडी का टेम्परेचर टी है, सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट है, नेट लॉस ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम द बॉडी ड्यू टू रेडिएशन, बॉडी ठंडी होगी, जब बॉडी ठंडी होती है तो वो दो तरीके से ठंडी हो सकती है, रादर तीन तरीके से ठंडी हो सकती है, एक कंडक्शन, अगर मैं अपना कोई उस गर्म बॉडी के साथ एक रॉड जोड़ दूं तो रॉड से थ्रू कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो जाएगी, पर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में कंडक्शन लेते नहीं, कंडक्शन लेंगे थर्मल कंडक्टिविटी लेनी पड़ती है, छोड़ दो, चाय का कप ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई टच नहीं करेगा उसे। अब चाय का कप रेडिएशन निकालेगा, तो हीट लॉस कैसे हो रहा है, बाय रेडिएशन, थोड़ी थोड़ी कन्वेक्शन भी चलती है, जो एयर का मॉलिक्यूल उसके कॉन्टैक्ट में आएगा गर्म हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, कन्वेक्शन भी, लेकिन वो दिखती कम है क्योंकि स्ट्रॉन्ग नहीं ना, कोई एक आध मॉलिक्यूल चला भी गया तो चला गया, बट होती है, लेकिन हम उसको न्यूमेरिकली इसको क्या करते हैं, निग्लेक्ट ही करते हैं, हम सिर्फ रेडिएशन लेते हैं, लेकिन प्रूफ के अंदर उसे दोनों ले लिए, कह रहे हैं मान लो रेडिएशन से हीट लॉस हो रहा है, चाय का कप का टेम्परेचर कितना है टी, गर्म बॉडी का टी और सराउंडिंग का टी नॉट, तो प्रीवॉट्स थ्योरी ने क्या बताया था कि वो पावर जो है एनर्जी पर सेकेंड निकालता रहेगा, कितनी एनर्जी निकालेगा एक सेकेंड में, कोई भी बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं हो सकती, एमिसिविटी इनटू वही सेम फॉर्मूला, तो ये नेट लॉस ऑफ हीट है जो एक बॉडी अपने अंदर से निकाल रही है पर सेकेंड। फिर वो कहते हैं कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस छोटा है, तो अब अगर टेम्परेचर टी था तो, और क्योंकि सराउंडिंग, देखो टेम्परेचर डिफरेंस किसका किसका छोटा है, जो गर्म बॉडी है और जो सराउंडिंग है, गर्म बॉडी और सराउंडिंग में कितना छोटा है, मान लो डेल्टा टी का फर्क है, डेल्टा टी का फर्क है, तो यानी कि मैं इस बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग का टेम्परेचर प्लस डेल्टा टी लिख सकता हूँ, ठीक है, टी को लिख रहा हूँ सराउंडिंग के साथ, इसका टेम्परेचर का डिफरेंस तो है बट बहुत ज़्यादा
नहीं है। तो मान लो मेरी बॉडी टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग से डेल्टा टी बढ़ी है, पुट कर दिया टी नॉट रेज टू पावर फोर बाहर आ गया, होल रेज टू पावर फोर चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये बाइनोमियल लगेगी यहाँ पर, क्योंकि दिस इज़ वेरी स्मॉल दिस इज़ लार्ज, तो फोर से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे ओपन कर दिया, बाइनोमियल लगा के वन से वन क्या हो गया कैंसिल हो गया, वन से वन कैंसिल होने के बाद डेल्टा यू वन की ये वैल्यू आ गई, ये कैंसिल हो गया, क्यूब बन गया। इसमें एरिया एक तरफ डेल्टा टी को लिख लिया टी माइनस टी नॉट, क्योंकि डेल्टा टी का मतलब है बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर का डिफरेंस, जो कि छोटा ही है ऑब्वियसली डेल्टा टी। तो इस पूरे कॉन्स्टेंट का नाम दे दिया बी वन, कुछ भी बी वन, इंटू एरिया ऑफ बॉडी ए और इंटू टी माइनस टी नॉट। ये हीट का लॉस एक सेकेंड में आया ड्यू टू रेडिएशन। कह रहे मान लो कन्वेक्शन ने भी ऐसे किया होगा, तो कन्वेक्शन की वजह से ये चीज़ क्या हो गई बी टू होगी, बाकी तो कोई चेंज नहीं होगा इसमें, मैथमेटिकली नहीं किया उसने। और टोटल चेंज कहता है क्या होगा, दोनों से लॉस हो रहा है, रेडिएशन से भी हो रहा है और कन्वेक्शन से भी हो रहा है, तो टोटल लॉस पर सेकेंड इन दोनों का सम हो रहा है। इन्हें ऐड किया, ऐड करके कॉमन निकाला, तो टोटल डेल्टा यू चेंज इसके इक्वल आ गया, ठीक है, डेल्टा टी आ गया। हाँ, कंडक्शन नहीं लेंगे, हमने कौन सा पकड़ा हुआ हाथ से उसे, वो नहीं लिया, वैसे कन्वेक्शन में नहीं लेते, नहीं भी लेंगे कोई टेंशन नहीं है, वो बी टू जीरो करके आंसर सेम ही आना है, कोई फर्क नहीं होने वाला, पर प्रूफ के अंदर उसने लिया हुआ है। तो मुझे पता है जो डेल्टा यू है इसमें ऊपर जो चल रहा है वो हीट पर सेकेंड चल रही है, डेल्टा यू इसमें हीट नहीं है, हीट फ्लोइंग पर सेकेंड है। हीट का चेंज क्या होता है, हीट क्या होता है, एम सी डेल्टा टी, एम सी डेल्टा टी। मान लो आपका टेम्परेचर अगर डाउन होता है तो हीट लॉस कितना होता है, लॉस है, इसलिए साइन क्या लगा माइनस, मास ऑफ बॉडी इंटू उसकी स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर डी टी। पर क्योंकि ये डी क्यू नहीं है, ये हीट नहीं है, ये हीट फ्लोइंग पर सेकेंड है, तो इसको मेरे को डिवाइड करना पड़ा बाय डी टी, तो अब ये न्यूमिनेटर क्या आ गया, हीट लॉस पर सेकेंड, राइट। अब यहां से ये टर्म आई और डी टी बाई डी टी को एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, डेल्टा यू को पूरे को पूरे को उठा के यहां डेल्टा यू में पुट किया जो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो मेरे पास ये टर्म आती है। इस टर्म में इस पूरी टर्म को उठा के एक नया कांस्टेंट डाल दिया, जो कि नेचर ऑफ सरफेस इन्वॉल्व्ड इन पे डिपेंड करता है, इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करनी। और फाइनली आपके पास क्या बन गया, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग हीरा। तो एनसीईआरटी मेंस और नीट क्या करती हैं, वो यहीं से स्टार्ट करती हैं और यहीं से एप्लीकेशन पे आ जाती हैं। इसका पिछला हिस्सा जो मैंने नहीं करवाया था, प्रूफ समझ में आया क्यों नहीं करवाया, जरूरत नहीं थी उस टाइम। अगर हम उस चक्कर में उस टाइम पड़ जाते तो फिर यहाँ आते आते हमें मुश्किल लगता, ऑब्वियसली जरूरत नहीं थी। और अब सेकेंड राउंड में करेंगे तो चीज़ें पिक्चर क्लियर ज़्यादा दिखती है कि एक्चुअल में हुआ क्या, ठीक है यहाँ तक। अब क्यों करवाया मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जो एडवांस के क्वेश्चन है ना वो इस पे नहीं आते, वो तो मेन और नीट में आ गया, वो यहाँ से पकड़ लेगा सब कुछ, यहाँ से कहेगा एक प्लेट है, एक सर्कल या एक स्फेयर है, एक डिस्क है, अब एरिया तीनों का डिफरेंट है, रेट ऑफ कूलिंग किसका ज़्यादा किसका कम, अब ये पता होना चाहिए कि रेट ऑफ कूलिंग जो है वो एरिया पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर वो कहेगा मास किसी का ज़्यादा किसी का कम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। फिर वो कहेगा स्पेसिफिक हीट किसी की ज़्यादा किसी की कम, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव कई निकलेंगे जो इस फॉर्मूले से सॉल्व होंगे, और वही देख पाएगा जो इसका प्रूफ देखता हुआ आया है, उसको याद नहीं होगा प्रूफ, लेकिन ये रिजल्ट्स उसको याद हो जाएंगे। पॉइंट समझ में आया कि प्रूफ देखने से क्या फायदा होने वाला है, ठीक। नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग क्या होता है, डी टी बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद नेगेटिव साइन का मतलब टेम्परेचर डाउन हो रहा है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, व्हेन बॉडी कूल्स बाय रेडिएशन द रेट ऑफ कूलिंग डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है जब कोई बॉडी ठंडी हो रही होती है, नंबर वन नेचर ऑफ रेडिएटिंग सरफेस, भाई कोई बॉडी जल्दी ठंडी होती है कोई लेट ठंडी होती है, कौन जल्दी ठंडी होगी, जिसकी एमिसिविटी ज़्यादा होगी, एमिसिविटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा एनर्जी एमिट करेगा, तो वो ज़्यादा जल्दी ठंडी होगी, उसका रेट ऑफ कूलिंग ज़्यादा होगा। एरिया ऑफ रेडिएटिंग सरफेस, ग्रेटर द एरिया फास्टर इज द रेट ऑफ कूलिंग, बताया मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मास ऑफ रेडिएटिंग, ग्रेटर द मास स्लोअर द कूलिंग, बताया मैंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। स्पेसिफिक हीट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्पेसिफिक हीट, तो याद रखना जिस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी उसका रेट ऑफ कूलिंग उतना ही
कम होगा. नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ रेडिएटिंग बॉडी इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट हो गया. टेम्परेचर ऑफ रेडिएटिंग बॉडी, टेम्परेचर ऑफ बॉडी का मतलब है जितना बड़ा टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी वो ठंडी होगी. चाय का कप 30 डिग्री पे है, चाय का कप 100 डिग्री पे है, 100 वाला जल्दी ठंडा होता है क्योंकि एक्सपोनेंशियल है ना, शुरू में तेज होता है बाद में स्लो हो जाता है. तो जितना बड़ा टेम्परेचर स्टार्टिंग होगा उतना ही लॉस भी ज्यादा होगा. ठीक है, फैक्टर्स क्लियर है तो ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे. टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ग्रेटर इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, लॉस कहां से होगा? चाय का कप 100 पे है, सराउंडिंग भी 100 पे है, ठंडा कहां से कर लोगे? 99 है सराउंडिंग, ठंडा कहां से करोगे? बाहर बर्फ पड़ रही है, ठंडा है, 100 डिग्री सेल्सियस है, एक मिनट में ठंडा हो जाएगा. सराउंडिंग का टेम्परेचर जितना ठंडा होगा रेट ऑफ लॉस उतना ही ज्यादा होगा. ठीक. फिर कूलिंग कर्व्स, कूलिंग कर्व्स में ये क्वेश्चन आ सकता है. बताया मैंने रेट ऑफ कूलिंग वर्सेस टेम्परेचर टी का रिलेशन बना हुआ, वो उसी को घुमा घुमा के वो ग्राफ पूछ रहा है. तो ये रेट ऑफ कूलिंग है आर, इसकी जगह आर, इसको ओपन करेंगे तो के टी माइनस के टी नॉट, मैथ्स के अंदर वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये वाई एक्सेज है, ये एक्स एक्सेज है और ये नेगेटिव इंटरसेप्ट है. नेगेटिव इंटरसेप्ट जाके नीचे कटेगा के टी नॉट, ग्राफ प्लॉट हो गया के टी नॉट. ठीक है तक? ठीक है. नेक्स्ट ग्राफ है लॉग ऑफ टी, द्वारा बन गया क्या मुझसे उसमें? माइनस सी, माइनस सी, हाँ तो वो तुम्हें मैथ्स में समझ में आता होगा, माइनस सी करवाते होंगे. वो तो एक ही बात है, सी नेगेटिव इंटरसेप्ट है. नहीं बन सकता, कैसे बनेगा? ये आर वाई एक्सिस है और ये टर्म नेगेटिव. अच्छा चलो छोड़ो इसे यार, छोड़ दो, इसका ग्राफ प्लॉट कर लोगे, नेगेटिव पे जाके कट करेगा ना, डन है. वो तो मैं समझा रहा हूँ कि ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है. तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि नेगेटिव, अगर ये प्लस होता तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट होता है. अच्छा, क्योंकि ग्राफ टी की फॉर्म में है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, इसलिए सराउंडिंग का तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है इसलिए इंटरसेप्ट है. अच्छा ये पूछ रहे हो कि इसे क्यों नहीं लिया इंटरसेप्ट? ना ना, सराउंडिंग का टेम्परेचर हमेशा कॉन्स्टेंट है तो ये टर्म कॉन्स्टेंट है इसलिए इंटरसेप्ट लेना है इसे, इसलिए ये नहीं चेंज होएगा. इंटरसेप्ट हमेशा के टी नॉट के साथ ही चलेगा. ग्राफ रिपीट हो गया फिर से एक बार, तो ये कर लिया हमने राइट. क्वेश्चन पढ़ना प्लीज, क्वेश्चन.
Copper sphere is suspended in an evacuated chamber maintained at 300 Kelvin. 300 Kelvin? अच्छा ठीक है. Sphere is maintained at constant temperature of 500 Kelvin. Chamber 300 का है, 300 लिख लेना और ये 500 का है. तो heat 500 से 300 में जाएगी पक्की बात है. So by electrically heating electrically, तो इसको तो बिजली मिली हुई है और ये 500 Kelvin का temperature maintained है इसका. So, वो कह रहा है टोटल ऑफ 210 वॉट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज नीडेड टू डू इट. तो इसको करने के लिए हमें 210 वॉट की इलेक्ट्रिक पावर चाहिए होगी. व्हेन सरफेस ऑफ कॉपर स्फीयर इज कम्प्लीटली ब्लैकेंड 700 वॉट इज नीडेड टू मेंटेन सेम टेम्परेचर ऑफ स्फीयर. तो अगर इसको परफेक्टली ब्लैक बॉडी बना दिया जाए तो पावर मुझे इसकी क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी, राइट. तो पावर बढ़ गई, ऐसा क्यों? कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी. तो पहले नहीं थी, अब थी. दो केस बनेंगे इसमें. तो कैलकुलेट एमिसिविटी ऑफ दिस स्फीयर. तो स्फीयर की एमिसिविटी निकालो, इसमें क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक. तो सबसे पहले एप्सिलॉन एमिसिविटी है और एनर्जी पर सेकेंड का फॉर्मूला मैंने बताया था. अगर टी से टी नॉट में हीट जा रही है तो ये बताया था, एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया. तो एमिसिविटी सिग्मा एरिया ये रहा. और पहले केस में, केस नंबर वन में ये वैल्यू क्या गिवन है, 210, क्योंकि ये सारी एनर्जी कहाँ से आ रही है, इलेक्ट्रिकल. तो 210 वॉट्स का मतलब एनर्जी पर सेकेंड. तो पहले केस में जो केस क्या, 500 और 300 तो मेंटेन्ड ही, ऑब्वियसली इस केस में तो चेंज ही नहीं हो रहा. तो टेम्परेचर डिफरेंस 500-300 है. अब अगर मैं उसे परफेक्टली ब्लैक बॉडी बना दूं तो मुझे हीट कितनी देनी पड़ेगी अब पर सेकेंड. पावर कितनी है, 700. एमिसिविटी परफेक्टली ब्लैक बॉडी की कितनी है, 1. तो दोनों को डिवाइड कर लेंगे, एमिसिविटी कैन बी कैलकुलेटेड. ठीक है, यहाँ तक. नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें प्लीज. हाउ मच फास्टर डज अ कप ऑफ कॉफी कूल ऑफ बाय 1 degree फ्रॉम 100 degree Celsius दैन फ्रॉम 30 degree Celsius इन अ रूम एट 20 degree Celsius. रूम का टेम्परेचर टी नॉट कितना है, 20 है. बॉडी का टेम्परेचर कितना है इसमें, 30 है. तो मतलब 1 degree Celsius को गिरना है. तो पहले बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 100, ठीक. और दूसरी बार बॉडी का मतलब चाय का कप, जो कॉफ़ी का कप है, पहला केस में टेम्परेचर कितना है, 100 है. दूसरे केस में टेम्परेचर कितना है कॉफ़ी का, 30 है. 30 से 1 डिग्री गिरना है, 100 से 1 डिग्री गिरना है. कह रहे बताओ कि कितना फास्टर रेट, क्या कितने फास्टर रेट से 100 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस दो कॉफीज़ हैं, उसका रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा. तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि इसमें एक बार कॉफ़ी का कप 100 डिग्री सेल्सियस पे है, सराउंडिंग 20 पे है. एक बार कॉफ़ी का कप 30 डिग्री सेल्सियस पे है, सराउंडिंग फिर 20 पे है. और आपको कितना डिक्रीज करना है दोनों केस में, कॉफ़ी के कप का टेम्परेचर बाय 1. तो इस केस में फॉर्मूला क्या लगेगा, वो सेम एमिसिव पावर सिग्मा इनटू दिस. एमिसिव पावर का मतलब क्या होता है, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया. एरिया से मल्टीप्लाई नहीं किया ना, तो एमिसिव पावर है. तो इस केस में एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करना है, कर लो. अगर कुछ गिवन नहीं, नॉर्मली मैंने देखा है क्वेश्चंस को ट्रीट किया जाता है लाइक अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी अगर गिवन नहीं है. तो इस केस में केस नंबर 1 टेम्परेचर 100 है, 273 और सब कुछ केल्विन में लेना है. तो 273 ऐड करेंगे, 373 केल्विन है कॉफ़ी का टेम्परेचर. सराउंडिंग किस पे है, 20 पे है, यानी कि 293 पे है. तो वो अपने अंदर से कितनी एमिसिव पावर निकाल रही है, ये एमिसिव पावर है. इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है, ठीक. अब दूसरा केस, कॉफ़ी का कप 30 पे है, सराउंडिंग अभी भी 20 पे है, तो एमिसिव पावर निकाल ली. इक्वेशन नंबर 2, तो कॉफ़ी का कप की दो एमिसिव पावर निकल गई, दोनों को कंपेयर कर लिया, दोनों को कंपेयर किया तो ये देखा कि 100 डिग्री सेल्सियस वाले केस में एमिसिव पावर 11.32 टाइम ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 30 डिग्री सेल्सियस. रेशियो इनकी कितनी आ गई, 11.32. तो बेसिकली आपको ये बताना है कि जितनी ज़्यादा एमिसिव पावर होती है उतना ही रेट ऑफ कूलिंग ज़्यादा होता है. तो आपने इसमें रेट ऑफ कूलिंग में डी टी बाई डी टी निकालने की बजाय क्या निकाल देना है, एमिसिव पावर निकाल देनी है. वहीं से आपकी रेट ऑफ कूलिंग कैन बी डिटेक्टेड. पावर 4 मतलब, ओ हाँ यार सॉरी, करेक्शन कर लो प्लीज इसमें. राइट राइट राइट, अब मैंने गलती से स्क्वायर कर दिया. एक्चुअली 4 पुट करना था, ये 4 गलती से यहाँ 2 कर दिया प्लीज. यहाँ 4 कर लेना प्लीज हर जगह. राइट, पावर 4 होगी. ये क्वेश्चन रीड करना प्लीज.
कि क्वेश्चन देखो, अ थिन ब्रास रेक्टेंगुलर शीट ऑफ साइड गिवन है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शीट है तो एरिया के लिए ये डायमेंशंस गिवन है, इज हीटेड इन अ फर्नेस ऑफ 600 डिग्री सेल्सियस एंड टेकन आउट, ठीक है, उसको 600 पे हमने किया और उसको हमने बाहर निकाल लिया. हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज नीडेड टू मेंटेन हीट एट दिस टेम्परेचर गिवन दैट एमिसिविटी आपको इसमें गिवन है. देखो इसके अंदर आपको करना क्या है, ये समझ में आता है कि हीट लॉस होगी, है ना, हीट लॉस होगी इसमें, और हीट लॉस करने के लिए लगेगा क्या, स्टीफन लॉ लगता है नॉर्मली, क्योंकि टेम्परेचर अगर बॉडी का टी गिवन हो और वो कितनी एनर्जी बाहर निकालता है उसके लिए स्टीफन लॉ कैलकुलेट किया जाता है. ठीक, अब वो ये कह रहा है कि मैंने इसको फर्नेस में डाला और 600 डिग्री सेल्सियस मैंने कर दिया और मुझे इसमें निकालना है कि इलेक्ट्रिक पावर नीडेड टू मेंटेन शीट एट दिस टेम्परेचर. हम एक काम करते हैं, अगर एक बॉडी का टेम्परेचर टी है, ठीक, और वो अपने अंदर से कितनी हीट निकालती है, बाहर निकाल देती है, हम उसको कैलकुलेट करें तो वो सिग्मा इंटू टी की पावर 4 इंटू एरिया करेंगे तो एनर्जी पर सेकेंड की वैल्यू आ जाएगी, पावर आ जाएगी. तो अगर मैं उस क्वेश्चन पे आ रहा हूं, तो अगर मैं एनर्जी बाहर निकालने की बात करता हूं तो पहला पॉइंट स्टार ये लगा हुआ है कि आपने शीट के इधर से भी गर्मी निकलेगी और इधर से भी निकलेगी, तो एरिया एक नहीं लेना, एरिया दोनों लेने हैं. क्यों? क्योंकि रेक्टेंगुलर शीट यहां से भी हीट निकाल रही है और यहां से भी बाहर निकाल रही है, गर्म तो दोनों तरफ से है ना, यहां से निकल रही है और यहां से, ठीक है ना, तो एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करना है. ये पॉइंट समझ में आ गया. टेम्परेचर 600 केल्विन के हिसाब से ठीक है कर दिया, एमिसिविटी गिवन है इसमें और हमने हीट फ्लोइंग पर सेकेंड, पावर का फॉर्मूला लगाया इसमें, पावर के फॉर्मूले में इस वैल्यू को हमने पुट किया और पावर की मेरे पास वैल्यू आ गई. इतनी एनर्जी एक सेकेंड में क्या हो रही है, लूज हो रही है. अगर मैं चाहता हूं कि एग्जैक्टली इतने टेम्परेचर पे रहे तो मुझे बिजली का यूज करना पड़ेगा और बिजली से मैं उसको गर्म करता रहूंगा तो मेरी बात बच जाएगी. तो इससे पूछोगे तो लूज कितना कर रही है, तो ये कहेगी मैं इतना लूज कर रही हूं एक सेकेंड, तो बिजली की कोई बात नहीं, इतनी हीट मैं तेरे को देती हूं तो तू मेरे से हीट ले और इतनी एनर्जी तू जो है मुझसे लेती जा पर सेकेंड, तो बिजली की पावर कितनी चाहिए होगी, इतनी चाहिए होगी, राइट. ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? हाँ, अब मैं आपका क्वेश्चन का आंसर देता हूं. आपने ये पूछा या पूछना बनता है कि अगर मान लो 600 केल्विन टेम्परेचर है जी एक शीट का, ठीक है, वो कितनी बाहर हीट निकालती है हमने कैलकुलेट करवा दिया, डन हो गया, पता लगे सराउंडिंग का टेम्परेचर 500 केल्विन पे चल रहा है, तब वो 500 से हीट या सराउंडिंग से हीट ले भी तो रही है. पॉइंट समझ में आया कि अगर मान लो मेरे अंदर से कितनी हीट बाहर निकल रही है, मैं कैलकुलेट कर देता हूं बाय स्टीफन लॉ, क्योंकि स्टीफन लॉ कहता है कि मेरे अंदर से कितनी हीट निकल रही है, सिग्मा इंटू टी की पावर 4, पर मैं सराउंडिंग से ले भी तो रहा हूं तो मेरा वो भी तो यार माइनस होना चाहिए ना. पर नॉर्मली क्या होता है इन टाइप के क्वेश्चंस में, जब सराउंडिंग गिवन नहीं होती फिर उसको कंसिडर नहीं करते, ठीक. और दूसरी चीज, हम इसलिए भी कंसिडर नहीं करते क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग अगर आप लगाने की कोशिश करोगे तो टेम्परेचर डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाएगा, वो तो लगेगा ही नहीं, वो तो बात ही खत्म हो गई. बट टी 4 माइनस टी नॉट 4 तो फिर भी लग सकता है. तो अगर सराउंडिंग की बात नहीं कर रहा कि सराउंडिंग में हीट दे रही है, फिर हमने उसको कंसिडर नहीं करना होता, स्टीफन लॉ लगाना है सीधा. पर इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट डिस्कस होना, किसमें लगाना है और किसमें, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में लगा था टी नॉट वाला कॉन्सेप्ट, प्रीवॉस थ्योरी, और किसी में क्या लगता है, सिर्फ स्टीफन लॉ. ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस से पता लगेगा कि मतलब क्लिक करेगा यार सराउंडिंग क्यों दे रहा है, यानी कि कुछ हमें कंसिडर करना है, ठीक. ये क्वेश्चन देखना,
consider sun to be perfect sphere of radius given. Calculate energy radiated by the sun in 1 minute. क्या लगेगा? स्टीफन लॉ. सराउंडिंग क्या देखोगे सन के सामने? कुछ भी नहीं. तो स्टीफन लॉ लगेगा इसमें. तो सन का एरिया निकाल लेना पाई आर स्क्वायर से, और टेम्परेचर सन का पता 6200 केल्विन, और यहाँ से क्या जाएगा आपके पास टाइम जो है सेकेंड है वो एनर्जी पूछ रहा है जूल में. तो स्टीफन लॉ और सन को ट्रीट किया जाता है लाइक अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, नहीं तो एमिसिविटी दे देता वो आपको. तो एमिसिविटी 1 लेके स्टीफन लॉ एरिया और टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ एनर्जी बच जाएगी. आंसर इतने जूल की एनर्जी बाहर निकलेगी. नेक्स्ट है ल्यूमिनोसिटी ऑफ रीगल स्टार इन और ओरियन कौन अजीब सा नाम है, तो ये पढ़ते हो आप वैसे? अच्छा ठीक है. तो ल्यूमिनोसिटी ऑफ रीगल स्टार इन ओरियन कॉन्स्टलेशन इज 17,000 टाइम्स दैट ऑफ सन. कोई लेना देना नहीं हमें कौन सी कॉन्स्टलेशन है. हमें यह पता है कि ल्यूमिनोसिटी 17,000 गुना ज्यादा है. ल्यूमिनोसिटी इज समथिंग रिलेटेड टू इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ये प्लस टू की फोटोमेट्री के अंदर आता है. और इंटेंसिटी इज समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, ये प्लस वन के अंदर भी आता है इंटेंसिटी. तो ल्यूमिनोसिटी ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक ही बात है. हमारा काम चलेगा एमिसिविटी से. तो यानी कि स्टार की एमिसिविटी सन की एमिसिविटी से 17,000 टाइम ज्यादा है. काम चल गया. अब अगर स्टार का टेम्परेचर निकालो, सन का टेम्परेचर पता है, तो लगाओ स्टीफन लॉ परफेक्टली ब्लैक बॉडी कंसिडर करते हुए. एमिसिव पावर स्टार की, एमिसिव पावर सन की, डिवाइड करो आंसर. टेम्परेचर कैन बी कैलकुलेटेड. ठीक है यहां तक? तो ल्यूमिनोसिटी सुन के बंद नहीं कर देना. मेरे को वही तो भी हो रहा था कि लाइन ऐसी बना देते हैं कभी कभी, बंदा कहता है मुझे क्वेश्चन शायद आता नहीं होगा, बट पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक. वैसे फीलिंग आई जाती है स्टीफन लगेगा जब टेम्परेचर गिवन होता है. तो हॉट बॉडी प्लेस्ड इन एयर इज कूल डाउन अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग. चलो बता रहा है कि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग लगेगा इसमें. द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर बींग के टाइम द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस फ्रॉम सराउंडिंग. अब क्या कह रहा है? रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर के टाइम टेम्परेचर डिफरेंस फ्रॉम द सराउंडिंग. स्टार्टिंग फ्रॉम टी इज इक्वल टू जीरो फाइंड द टाइम इन विच द बॉडी विल लूज हाफ द मैक्सिमम हीट इट कैन लूज. क्वेश्चन फिर से पढ़ लो प्लीज. न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की बात हो रही है, बॉडी ठंडी हो रही है. रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर किस रेट से डिक्रीज हो रहा है डीटी बाई डीटी, इज के टाइम टेम्परेचर डिफरेंस फ्रॉम सराउंडिंग. मैं कहता हूं ये तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की डेफिनेशन बता रहा है. न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में तो यही कहता है कि रेट ऑफ कूलिंग, एरा रेट ऑफ कूलिंग इज के टाइम टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सराउंडिंग. तो सही तो है. तो बेसिकली ऐसे ही कंफ्यूज कर दिया, वैसी ना बोलता तो ज्यादा बेटर था. तो हमें पता ही ये बात वो क्या कह रहा है. समझ में आ गई बात? अब असली बात ये है कि फाइंड द टाइम, समय बताओ, टाइम इन विच द बॉडी विल लूज. टाइम टी इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हुआ, कितना टाइम स्मॉल टी लगेगा कि बॉडी मैक्सिमम हीट जितनी भी उसके पास थी उससे 50% क्या हो जाए, लूज करते हैं. तो ऑब्वियसली चाय का कप के पास अगर 100 जूल की एनर्जी है, मैं चाहता हूं 50 जूल रह जाए, कितने टाइम में ऐसा हुआ? ठीक. तो ऐसा करने के लिए न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग हमने लिखा. न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को लिख के इंटीग्रेशन का रिजल्ट यूज करेंगे. टेम्परेचर एक तरफ, टाइम एक तरफ. अभी हमने किया था टेम्परेचर T1 से, मान लो T हो गया इन टाइम 0 से T. सेम थ्योरी फिर से ली ही है मैंने जान के, ताकि वो रिवाइज हो जाए. सेम स्टेप यहाँ तक बिल्कुल सेम है. फिर हमें काम कर सकते हैं इसमें. लॉग जब राइट साइड पे जाएगा तो यहाँ तक बिल्कुल सेम है, और अदर यहाँ तक सेम है. इसका ग्राफ भी प्लॉट किया था. तो ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का रिजल्ट यूज करने वाले हैं. तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में कैपिटल T क्या शो करता है कि अब उस बॉडी का कितना टेम्परेचर है कितने टाइम पे. टाइम के साथ टेम्परेचर का रिलेशन है, वेयर T0 इज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. ठीक, याद क्लियर है? तो ये फॉर्मूला यूज करें. ये फॉर्मूला किसके किसके बीच में है? बॉडी का टेम्परेचर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम स्मॉल टी. तो अब मुझे पता है कि बॉडी कॉन्टिन्यू टू लूज हीट जब तक टेम्परेचर बिकम इक्वल टू दी सराउंडिंग. जब तक सराउंडिंग तक नहीं होता वो लूज ही करती जाएगी. और कितनी हीट लूज करेगी? Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T. और मान लो उसका इनिशियल टेम्परेचर कितना था? T1.
सराउंडिंग का कितना है टी नॉट, तो मैक्सिमम हीट कितनी अपने अंदर से लूज कर सकती है, टी वन माइनस टी नॉट तक, क्योंकि टी वन उसका आपका टेम्परेचर और टी नॉट उसका लास्ट होने वाला है, ये मैक्सिमम हीट है। पर हमने कितनी उसमें से निकालनी है आधी, तो एक काम करते हैं इसको टू से डिवाइड कर दें, तो आधी हीट करने के लिए ये क्यू इज एम सी डेल्टा टी, ये पूरी टर्म क्या कहलाएगी, चेंज इन टेम्परेचर या डिक्रीज इन टेम्परेचर, एंड वाली टर्म क्या होती है, डिक्रीज इन टेम्परेचर होती है। ये स्टेप समझ में आ रहा है, हमने आधा करना है काम, हाफ, हाफ का मतलब क्यू बाई टू होना चाहिए, क्यू बाई टू में टेम्परेचर डिफरेंस भी हाफ करना पड़ेगा, हमने टोटल थोड़ा चेंज कर देना है टेम्परेचर, हमने टेम्परेचर टी वन माइनस टी नॉट थोड़ा करना है, हमने टेम्परेचर टी वन माइनस टी नॉट का हाफ करना है। अच्छा, टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड कर लो दोनों को, टू टू से डिवाइड कर लिया, वो अपने आप हाफ हो गया ना, करना तो मैक्सिमम क्यू है, क्वेश्चन में कहा क्यू नहीं चाहिए ना, क्वेश्चन में क्यू बाई टू करने को कहा, तो फिर मेरे को भी इसको टू करना पड़ा, मैंने दोनों तरफ को टू से डिवाइड कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली दिस शुड नॉट बी क्यू, दिस शुड बी क्यू बाई टू। तो क्यू बाई टू करने में ये साइड क्या होती है, चेंज इन टेम्परेचर। अब अगर बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर कितना है, टी वन है, और उसका टेम्परेचर चेंज डिक्रीज कितना हो जाता है, इतना हो जाता है, इतना हो जाता है, तो नया टेम्परेचर क्या होगा, जितना पहले था इतना डिक्रीज कर दिया, तो नया टेम्परेचर इसके इक्वल आ गया। अब बॉडी का टेम्परेचर नया कितना आ गया, इसके इक्वल आ गया, तो अभी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, इतना है, जब उसका क्यू बाई टू हीट लूज हो गया। तो इक्वेशन नंबर वन में जिसमें हमने वो टेम्परेचर और टाइम का रिलेशन निकाला था, उसमें मान लो टी डैश टाइम लगा ऐसा होने में, टाइम को टी डैश पुट करके फाइनल टेम्परेचर अब कितना चाहिए, इसके इक्वल पुट करना पड़ेगा, क्योंकि अब टेम्परेचर फाइनल है। मैं चाहता हूं कि Q बाई टू हीट लूज हो जाए, Q बाई टू जब हीट लूज होगी तो डिक्रीज ये होगा, जब इतना डिक्रीज होगा तो नया टेम्परेचर इतना होगा, तो मैंने टेम्परेचर को पुट किया, टी डैश निकाला, मैथ्स के स्टेप्स इसको सॉल्व किया, चेक कर लेना स्टेप्स इसके, तो जब मैंने इसे सॉल्व किया तो ये स्टेप आ गए, कॉमन आ गया, कट गया, ये टर्म आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, लॉग लिया दोनों साइड्स का, ये टर्म के टी डैश आ गया, लॉग टू, आंसर आ गया। ठीक है, तक इतना टाइम लगेगा उसको कि जब वो अपनी 50% हीट वो क्या कर देगा, लूज कर देगा। आया हुआ क्वेश्चन है, नहीं हो सकता वो T1 by 2 ऐसे हाफ नहीं कर सकते, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि 100 डिग्री का 50 डिग्री कर दो, उसने कहा कि हीट आधी कर दो। अब पता लगे टेम्परेचर चाय का कप का 100 डिग्री सेल्सियस है, और आधी हीट वो खत्म कर देती है जब उसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है सिर्फ, अब तुम 50 कैसे ले सकते हो। उसने ये नहीं कहा हाफ दी टेम्परेचर, उसने कहा हाफ दी हीट, तो हीट को हाफ करके टेम्परेचर निकालना पड़ेगा कितना डाउन हुआ, फर्क है दोनों में। और ये ना सोचना कि हीट हाफ है तो टेम्परेचर भी हाफ है, ठीक। तो इसको एक बार घर से फिर से एक बार सोचना कि किस तरीके से इसको किया जा रहा है, बट पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। फिर हमने क्या किया था, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, याद होगा ऐसे ग्राफ बनते थे, इस ग्राफ में लैम्डा इन टू टी इज अ कॉन्स्टेंट और बी याद करने को कहा था, तो मैंने लिख भी दिया रिमेंबर, अब रिवाइज करोगे तो मैं तो होऊंगा नहीं, तो लिखना पड़ेगा सारा, ठीक।
दो स्टार्स हैं ए एंड बी, सेम साइज है, थर्मल एमिसिविटी 0.2 एंड 0.64 है, बोथ स्टार है में टोटल रेडिएंट पावर एट सेम रेट, पी की वैल्यू दोनों की सेम है. इफ टेम्परेचर ऑफ ए इज 5000 केल्विन एंड वेवलेंथ लैम्डा बी कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्पेक्ट्रल रेडिएंसी इन द रेडिएशन, मतलब डरने की जरूरत नहीं है, यानी कि वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ लग रहा है तो एनर्जी एमिशन मैक्सिमम है, लैम्डा एम की वैल्यू दे रहा है. और ऐसी वो कह रहा है कि इस केस में लैम्डा ए और टू मैक्सिमम स्पेक्ट्रल रेडिएंसी इन रेडिएशन फ्रॉम बी इज मोर देन वेवलेंथ लैम्डा ए कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्पेक्ट्रल रेडिएंसी इन रेडिएशन फ्रॉम ए बाय 2 माइक्रोमीटर, तो लंबा ज्यादा कर गया. वो कह रहा है ए और बी दो स्टार्स हैं, दोनों में कुछ लैम्डा एम होता होगा जब मैक्सिमम एमिशन हो जाता है, पीक वैल्यू आ जाती है, तो ए की अलग आती है बी की अलग आती है, दोनों का डिफरेंस 2 माइक्रोमीटर है, बस ये इसकी इतनी सी मतलब बड़ी सी लाइन का एक छोटा सा मतलब है. तो कह रहा है कि इस केस में टेम्परेचर ऑफ स्टार बी निकालो और वेवलेंथ निकालो, पावर दोनों की एग्जैक्टली सेम है. पावर क्या होती है, स्टीफन लॉ से मान लो ए स्टार का टेम्परेचर टी ए है, एरिया दोनों का सेम है, एमिसिविटी एप्सिलॉन ए और बी है, इक्वेट कर दिया, टेम्परेचर का रिलेशन आ गया, टी ए का टेम्परेचर पता है टी बी का आ गया, एक आंसर आ गया, स्टीफन लॉ से आ जाएगा ये तो, ठीक है ना यहाँ तक. फिर आपको क्या निकालना है, वेन डिस्प्लेसमेंट और लग ही रहा है वो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिशन का मतलब है मैक्सिमम पीक वैल्यू है, तो लैम्डा इनटू टी इज अ कांस्टेंट, टेम्परेचर दोनों के पता है, दोनों की रेशियो आ गई लैम्डा की मैक्सिमम पीक वैल्यूज की, दोनों का डिफरेंस 2 माइक्रोमीटर है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आंसर आ, ठीक ये टर्म्स समझ में आ रही है, मैक्सिमम रेडियंसी और ये सब कुछ या पीक वैल्यूज है इसका मतलब, ठीक स्टेटमेंट ही स्टेटमेंट है, अंदर कुछ नहीं है, मतलब ठीक है. ये क्वेश्चन
देखो इस क्वेश्चन के अंदर ये समझ में आ गया, वाई और एक्स दो ग्राफ हैं और आपको बताना है कि एमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिव पावर किसकी ज़्यादा है, ग्राफ किसके किसके बीच में है, बॉडी का टेम्परेचर और टाइम, ठंडी हो रही लगती है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो इसकी स्लोप अगर हम निकाल लें तो क्या होगी, डी टी बाई डी टी रेट ऑफ कूलिंग देगा आपको। अब रेट ऑफ कूलिंग आर आपको इसकी स्लोप दे सकता है, साफ पता लग रहा है कि एक्स की स्लोप वाई की स्लोप से ज़्यादा है, तो टाइम थीटा लगोगे ना, परपेंडिकुलर बेस बेस दोनों के सेम है तो इसका परपेंडिकुलर ज़्यादा है, तो इसकी स्लोप ज़्यादा है इसकी कम है, तो इसकी एमिसिविटी ज़्यादा है इसकी एमिसिविटी, इसका रेट ऑफ कूलिंग ज़्यादा है इसका कम है, और रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, बॉडी की एमिसिविटी, जितनी ज़्यादा वो एमिट करेगी उतनी ज़्यादा वो ठंडी हो जाएगी, तो इसका मतलब ई ऑफ एक्स ग्रेटर देन ई ऑफ वाई, और हमें पता है गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स, जिसका ई बड़ा होता है उसका ए पक्का बड़ा होता ही होता है आंसर। देखो एज्यूमिंग सन टू हैज स्फेरिकल आउटर सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ये रहा सन रेडिएटिंग लाइक अ ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस, पावर रिसीव्ड बाय अ यूनिट सरफेस नॉर्मल टू द इंसिडेंट रेज एट अ डिस्टेंस ऑफ कैपिटल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सन इज, तो बेसिकली क्या है इसमें, ये सन जो है वो एनर्जी इमिट कर रहा है, कैपिटल आर रेडियस में एनर्जी इमिट हो रही है, ठीक, तो कैपिटल आर इसमें एनर्जी इमिट हो रही है, तो पावर होती क्या है, पावर सन की स्टीफन लॉ लगाएंगे तो सिग्मा इंटू टी की पावर 4 को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे और एमिसिविटी की वैल्यू क्या होती है इसमें 1, सन परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो ये पावर की वैल्यू आ जाएगी, और मैंने इसमें लिखा भी स्टीफन लॉ में जब टेम्परेचर यूज़ करते हैं वो किसका यूज़ करते हैं, बॉडी का, और बॉडी कौन है जो एनर्जी इमिट कर रही है, सन, तो सन का टेम्परेचर कितना है इसमें टी, तो टी, ठीक, तो इस केस में मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है पावर, पावर रिसीव्ड बाई यूनिट सरफेस,
यानी कि मुझे निकालना है पावर पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट एरिया निकालना है। तो अगर मुझे पावर पर यूनिट एरिया निकालना है, काम करते हैं दोनों साइड्स को एरिया से क्या कर लेते हैं, डिवाइड। ठीक है यहाँ तक? तो दोनों साइड्स को एरिया से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ गया, पावर पर यूनिट एरिया, और वन चलो ये तो है ही है पर यूनिट एरिया, एरिया कैपिटल ए, या कुछ उल्टा लिखा गया मुझे लगता है, इसका ऑप्शन क्या है, सी, क्योंकि एरिया जो होता है बॉडी का एरिया होता है, और मैंने यहाँ पर बॉडी के एरिया में क्या पुट कर दिया, 4π r² रेडिएटेड एरिया, क्योंकि स्टीफन लॉ कहता है कि बॉडी के एरिया में से एनर्जी निकल रही है, तो बॉडी के एरिया में से एनर्जी निकल रही है, और वो कितने एरिया में निकल रही है, मेरे हिसाब से इसको होना चाहिए था 4π R², और कितने एरिया में निकल रही है, ओ फिर ठीक किया, सॉरी मैं भूल गया, मुझे लगा सन का रेडियस कैपिटल आ रहा है, हाँ ठीक किया मैंने, तो सन का रेडियस इसमें कैपिटल आ रहा है, फिर ठीक किया, तो सन का रेडियस कैपिटल आ रहा है और जो एरिया है, सॉरी सन का एरिया इसमें उल्टा स्मॉल आ रहा है, सॉरी स्मॉल आ रहा है, तो सन का एरिया ही मैंने पुट किया 4π r², और कितने एरिया में एनर्जी जा रही है 4π R², सही किया, ठीक है। एक्चुअली नॉर्मली सन का रेडियस कैपिटल आर और बाहर का स्मॉल आर होता है, तो मैं अभी भी इसी इंप्रेशन में, और मैंने बनाया भी हुआ है कि सन का रेडियस स्मॉल आर है, तो यहाँ बॉडी का एरिया आता है, बॉडी का एरिया 4π r² राइट, तो अगर वो कैपिटल आर होता तो कैपिटल आर पुट करना था, ठीक है ना। और